And breaking news coming in, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has taken on the centre over the NEET exam. Tamil Nadu Chief Minister has said that despite the Union Education Minister's defence of the National Testing Agency, recent events paint a different picture. The Gujarat police has registered an FIR over allegations of invigilators tampering with OMR sheets in exchange for monetary benefits involving cheques worth several crore rupees and 8 blank cheques. Is the big piece of news that's coming in, a huge charge coming in from the Tamil Nadu Chief Minister. Remember, the DMK stand has always been that NEET should be scrapped altogether. To get more details, I'm joined by my colleague Purnima Murli on the broadcast. So Purnima, the DMK only upping the ante against the centre when it comes to the entire fiasco surrounding the NEET exams. Absolutely. Considering NEET is an emotive and an electoral issue, the DMK has also promised that one of the issues that they will raise in the parliament is NEET, reiterating that NEET is not for the poor, it's anti-poor and against social justice. And therefore, M.K. Stalin once again reiterating that the ongoing controversies around NEET highlight that it's not equal in nature, and therefore those from the rural areas, those from the poor section of the society are badly impacted, and that's why DMK promises that they will continue to raise this issue in the parliament and across various platforms. That's the word that's coming in from DMK. Right. Thank you, Purnima, for getting us that piece of breaking news. So the water words continues to escalate over the NEET exam. Now let's listen in to more reactions coming in. देखिए, हम सब देख रहे हैं कि 4 को नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, और जिसमें वो खबर में भी ये बात आई कि 14 को रिजल्ट आना था और उसको 10 दिन पहले करके 4 को लाया गया। इस पूरे चुनावी रिजल्ट के शोर में इसको छुपाने की कोशिश की गई, तो ये इस छुपने के बजाय स्टूडेंट इस पूरे घोटाले को समझ गए और पूरे देश में उसको लेकर के सड़क पर उतर गए हैं। तो आज आयशा बतौर छात्र संगठन उन तमाम नीट के स्टूडेंट के साथ खड़ा है, और हमने पिछले दिनों एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर, एनटीए के बाहर लगातार प्रोटेस्ट में है, देश भर में हमने प्रोटेस्ट किया, लगातार सोशल मीडिया पे हम इन छात्रों के साथ खड़े हैं। बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों बचा रहे हैं एनटीए को, क्यों एनटीए की जांच से वो भाग रहे हैं? मेरी उनसे दोबारा निवेदन है कि पार्लियामेंट सेशन से पहले एनटीए के जो आला अधिकारी हैं, अब उन पर जांच करी जाए, तुरंत जांच शुरू करी जाए, नीट के एग्जाम को कैंसिल करा जाए और जल्द से जल्द दोबारा नीट के एग्जाम की डेट निकालें। तो किस तरीके की परीक्षा है जहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और पैसे के बल से लोग अब डॉक्टर बन जाएंगे? तो बार बार मैंने कहा, मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इसकी स्थिति अनसर्टेन है, और बार बार एजुकेशन मिनिस्टर का ये दावा देना कि कोई पेपर लीक नहीं है, उनका झूठ साबित करता है और दिखाता है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को इकोसिस्टम को बिल्ड होने दे रही है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी, इसमें फ्री एंड फेयर प्रोब होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोब होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जरूरी है इसकी बेहतर कॉस्टमेटिक। पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने भी या तो रिक्रूटमेंट के लिए या नीट जैसे इम्तिहान के लिए, जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होते हैं, क्लैट में होता है, ऐसे लगभग 41 प्रकरण सामने आए पिछले 5 सालों में। और इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप है। ये सब घोटाला करने वाले लोगों का एक समूह है, पूरे देश में एक माफिया बन चुका है। हम बच्चों की मांग के साथ हैं। क्या मांग रहे हैं वो? सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक का आरोप है, इंक्वायरी हो जाने दीजिए। क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ही एनडीए को क्लीन चिट दे रहे हैं? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट नन ऑफ नो एक्शन हैज बीन टेकन प्लेस एक्सेप्ट नॉट परमिटिंग फ्यू स्टूडेंट्स, दे शुड हैव जस्ट गॉन टू अ थरो इंक्वायरी, arrest should have been made. This is a very serious crime, and it is the future of lakhs of students, and it is better I appeal to the government of India, allow our states to conduct the exams ourselves, let all over the students also participate, we'll also give reservation to them all India level.
से असहमति हो ही नहीं सकती, और अगर कोई गलत हुआ है कुछ तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको ना सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो सके। ये पिछली सरकार इनकी, मौजूदा सरकार इनकी, अभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आखिरकार ये किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई? क्यों सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की? हम लोगों ने लगातार इसकी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, इसमें जांच होनी चाहिए। हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का, हमारे तालिबेल का जो है भविष्य का मामला है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं ना तो कोई सीनियर मिनिस्टर कुछ कह रहा। आखिरकार बचाना किसको चाह रहे हैं ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इसमें जगह जगह पे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।